हाँ भाई, अब पहला टॉपिक अपना कौन सा है? अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो अम्ल मैंने आपको बताए थे HCl अम्ल, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये अम्ल बताए थे। धात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं? धात्विक ऑक्साइड वो होते हैं जो धातुओं का दहन से प्राप्त होते हैं। धातु और ऑक्सीजन क्रिया करके धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। अब धातु जैसे मान लेते हैं, मेरे पास धातु है Mg, मैग्नीशियम धातु है। इसकी जैसे ही मैंने ऑक्सीजन से क्रिया कराई या ऑक्सीजन से दहन कराया, तो जो मुझे प्राप्त हुआ वो MgO हुआ, 2MgO। तो MgO जो है ये धात्विक ऑक्साइड है। ऐसे ही अगर मेरे पास में एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम का भी दहन कराया, तो एल्युमिनियम का दहन कराने पर जो मुझे प्राप्त हुआ Al2O3 प्राप्त हुआ, नहीं है? तो इसमें 2, 3, 6, 3 और यहां पर 4। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एक धात्विक ऑक्साइड है। तो जितने भी धातु होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अब धात्विक ऑक्साइडों की अगर हम अम्लों से क्रिया कराएं तो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों से क्रिया करा दें, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं, उदाहरण लें, हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अम्ल है HCl अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो जो मुझे प्राप्त होगा MgCl2 प्लस H2O प्राप्त होगा, MgCl2 प्लस H2O प्राप्त होगा। तो ये जो बना ये क्या है? लवण। ये क्या है? जल। और यहां पर ये है अम्ल। लवण और जल तभी बनते हैं जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं। अम्ल और जब क्षार क्रिया करते हैं तो इसका मतलब ये तो अम्ल हो गया, ये क्या हो गया फिर? क्षार। तो धात्विक ऑक्साइड, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आपसे बोर्ड में कंपटीशनों में पूछा जाता है, बोर्ड में आपसे सवाल पूछा जा सकता है एक नंबर का, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के धात्विक ऑक्साइड होते हैं। कौन सी प्रकृति को होते हैं? क्षारीय प्रकृति को होते हैं। समझ में आई ना? तो ये हो गया अपना धात्विक ऑक्साइड। क्लियर है? इसको उतारो। दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों से अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं? अधातुओं से प्राप्त जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधातुओं का दहन करने से जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। धातु और अधातुओं में बस यही अंतर है कि धातु जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धनावेश बनाती हैं, और अधातु वही होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणावेश बनाती है। तो जितने भी ऋणावेश तत्व होते हैं ना वो सभी अधातु होती हैं, अधातु होती हैं। तो अधातुओं का अगर हम दहन कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा, अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होंगे। अब अगर मैं अधात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों से क्रिया कराऊं, क्षार से क्रिया कराने पर वही लवण और जल प्राप्त होगा।
अब अधात्विक ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर मैं कार्बन का दहन कराऊं, कार्बन का प्लस O2 तो CO2 प्राप्त होगा। अगर मैं सल्फर का दहन कराऊं तो सल्फर SO2 प्राप्त होगा। ये जितने भी हैं ये सभी अधात्विक ऑक्साइड हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि धात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं। तो ये आप दिमाग में क्लियर बैठा लेना कि धात्विक ऑक्साइड तो वो होते हैं जो धातुओं का दहन करने से प्राप्त होते हैं, और धातु वो होती हैं जिन पर धनावेश आता है, और अधात्विक ऑक्साइड वो होते हैं जिन पर ऋणावेश आता है, और अधात्विक ऑक्साइडों का अधातुओं का दहन करके प्राप्त होती है। तो ये हो गई अधात्विक ऑक्साइड। हमारे पास दो मान लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड है। अब मैं अधात्विक ऑक्साइडों की जगह तो मान लेते हैं SO2 लिख दूं, प्लस में क्षार, क्षार जो है वो ये है NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, KOH, या फिर हम आप लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। ये सभी क्षार, मैंने आपको लिखा रखे हैं, ये सभी क्षार हैं। तो SO2 की क्रिया जैसे ही मैंने NaOH से कराई तो जो मुझे लवण प्राप्त हुआ वो होगा Na2SO4 प्लस में H2O जल प्राप्त होगा। तो ये है लवण, ये है जल, ये है क्षार, और ये हो गया क्या? अम्ल। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, वो अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो सीधा सा क्वेश्चन बन गया, कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोर्ड में वही क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज बच्चा कंफ्यूज होता है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए, अम्लीय प्रकृति है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए, क्षारीय प्रकृति है। कुल मिला के बात यह है कि हमारे धात्विक और अधात्विक जो ऑक्साइड हैं वो कौन कौन सी प्रकृति के होंगे, और वो अम्ल और क्षारों से किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाएंगे। अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया दर्शाती हैं? इसका मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और वही लवण और जल बनाते हैं। कोई सा भी अम्ल ले लो, वो क्षार से क्रिया करके लवण और जल ही बनाएगा, और इस प्रकार की अब जो अभिक्रिया है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को। इसके मैं कई उदाहरण भी दूंगा उदासीनीकरण के। देखो, अम्ल मान लेते हैं मेरे पास HCl है, और क्षार मान लेते हैं प्रबल क्षार NaOH। तो जो ये लवण प्राप्त होगा वो NaCl प्लस H2O प्राप्त होगा। देखो, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में क्रिया करके जो लवण बनेगा वो प्रबल लवण ही बनेगा। अगर मेरे पास में यहां पर HNO3 और MgOH का होल ट्वाइस, ये क्षार है और ये अम्ल है, ये तो प्रबल अम्ल हो गया और ये दुर्बल क्षार हो गया, तो ये जो अभिक्रिया होगी इसमें जो प्राप्त होगा वो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O प्राप्त होगा। तो ये जो बनेगा वो प्रबल जो बनेगा, जो लवण बनेगा उसमें जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी? देखो, ये तो उदासीन होगा, पूरा कंप्लीट उदासीन, लेकिन यहां पर MgNO3 का होल ट्वाइस है, उसकी प्रवृत्ति वही होगी जो अम्ल और क्षार में जो प्रबल है, तो वो अम्लीय लवण बनेगा, कुल मिला के बात यह है कि अगर इनमें से दोनों ही प्रबल है तो उदासीन लवण बनेगा, अगर इनमें से एक प्रबल और एक दुर्बल है तो वही लवण बनेगा जो प्रबल है।
तो ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूं ये सभी क्या हैं, उदासीनीकरण के उदाहरण है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाती है और अम्लता को एसिडिटी बोलते हैं। एसिड बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब हम ज्यादा खा बैठे, खट्टी खट्टी डकार आने लग जाती है। खट्टी डकार तो तभी आती है जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, अम्ल की प्रतिशतता बढ़ जाती है, अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है। हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो अमाशय में पाया जाता है। इसका स्तर बढ़ जाता है। अब जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो खट्टी खट्टी डकार आती है, तो तुरंत कहते हैं भाई इनो ले लो। तो इनो में जो क्षार पाया जाएगा वो ये पाया जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसको इसमें डाला तो ये क्या होगा, MgCl2 एक लवण में बदल देगा और प्लस में H2 बना लेगा। इसका मतलब अब जो अम्ल है वो खत्म हो जाएगा, अम्लता दूर हो जाएगी और एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यौगिक हैं, जितने भी क्षार होते हैं वो प्रति अम्ल होते हैं। क्षार जो होते हैं ना वो प्रति अम्ल होते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं उनको। तो ये प्रति अम्ल होते हैं, वो हमारे पेट की अम्लता को दूर कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया जो हो गई वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षार में क्या समानता है। देखो मेरे पास मान लेते हैं 4-5 यौगिक ऐसे हैं, क्रियाकलाप करें, मान लेते हैं क्रियाकलाप करें तो क्रियाकलाप में आपको मान लेते हैं मैंने 4 यौगिक दिए, एक तो HCl, एक H2SO4, एक ग्लूकोज, एक एल्कोहल, ये दिए मैंने 4 यौगिक दे दिए। और चारों यौगिकों का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि एक पात्र में मैंने एक पात्र लिया और इसमें जल भर दिया, पात्र में जैसे जल भर दिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोडों का जो कनेक्शन है वो मैंने एक बैटरी, इसमें एक बल्ब से, एक कुंजी से कर दिया और इसमें एक बैटरी और लगा दी। अब एक बात बताओ भाई, जब तक ये पूरा पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। इसमें जो जल भरा है वो आशुद्ध जल है, जो विद्युत का चालन नहीं करता। अब मैंने सबसे पहले, पहली कंडीशन में मैंने इसमें HCl अम्ल डाल दिया। जैसे ही मैंने इसमें HCl अम्ल डाला तो HCl अम्ल का विद्युत अपघटन हो गया, विद्युत अपघटन हुआ, विद्युत ने इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ करके H+ और Cl- में बदल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आयन उपस्थित हो गए और आयन जो होते हैं वो गतिमान होते हैं, वो एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर गति करते हैं और जो ये होता है सर्किट ये कंप्लीट पूरा हो जाता है। और जब सर्किट पूरा हो जाता है तो ये बल्ब क्या होता है, जलता है। तो बल्ब क्या होगा, पहली कंडीशन में जलता है। दूसरी कंडीशन में मैंने H2SO4 डाला। जैसे ही मैंने इसमें H2SO4 डालूंगा तो H2SO4 का भी विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा। H2SO4 का जब विद्युत अपघटन हुआ तो यह बदल गया H+ SO4 2- में। इसका मतलब इसमें भी क्या बन गए, आयन बन गए और ये आयन भी H+ और SO4 2- ये भी गतिशील है और इस कंडीशन में भी जो बल्ब होगा वो जलता है, वो जलेगा। अम्ल दोनों हैं, दोनों अम्ल बल्ब को जला रहे हैं। तीसरी कंडीशन,
तीसरी कंडीशन में मैंने इसमें ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज का विद्युत अपघटन नहीं होता, ग्लूकोज का विद्युत अपघटन नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलता, बल्ब नहीं जलता, विद्युत अपघटन नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। चौथी कंडीशन में मैंने इसमें अल्कोहल डाला, अल्कोहल में भी विद्युत अपघटन नहीं होगा, अल्कोहल भी विद्युत का चालन नहीं करता। अब मान लेते हैं एक यौगिक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसमें NaOH ले लिया मैंने, NaOH ये क्षार है, NaOH जैसे ही मैंने पांचवी कंडीशन में NaOH इसमें डाला तो इसका भी अपघटन हो गया Na++OH- में, ये भी आयनों में बदल गया, तो पांचवी कंडीशन में भी बल्ब जलता है। कुल मिला के बात यह है कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो अम्ल व क्षार विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अम्ल और क्षार में यही समानता है कि ये विद्युत का अच्छा चालन करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, ये अच्छा चालन करते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कौन सा, अम्ल एवं क्षार को अगर जल में मिलाया जाए तो क्या होता है, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अम्ल और क्षार का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो अम्ल ले लिए मैंने, अम्लों की बात करें, सिर्फ अम्लों की मान लेते हैं मेरे पास में HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, ये दो अम्ल हैं। एक परख नली लेंगे, परख नली में जल भरते हैं, एक परख नली में इसमें जल भरा हुआ है, वही आशुद्ध जल। अब धीरे धीरे बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके इसमें HCl अम्ल डालेंगे और हिलाते रहेंगे, HCl अम्ल डालते रहेंगे परख नली में और हिलाते रहेंगे, तो कुछ समय पश्चात जो परख नली है वो गर्म हो जाती है, कुछ समय पश्चात वो परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल हैं उनको जल में मिलाते हैं तो वो जो क्रिया होती है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, इसका मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर मैं धीरे धीरे मिलाता ही रहूं तो ये परख नली इतनी गर्म हो सकती है कि ये टूट भी सकती है, इसकी जो हीट होती है वो इस परख नली को तोड़ भी सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इतनी ही मात्रा डालो कि वो ज्यादा गर्म ना हो। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने अम्ल को HCl अम्ल को जल में मिलाया, H2O में मिलाया, तो अम्ल को जल में मिलाते ही जो मुझे प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ H3O+ प्लस इसमें HCl, तो यहां पर Cl माइनस कर देते हैं, तो ये जो आयन प्राप्त हुआ ये आयन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ, और ये इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि साहब HCl तो टूटे है ना, जब कहे तो H+ आयन दे और एक Cl- आयन दे, हाइड्रोनियम आयन तो हमने सुना ही नहीं। तो देखो जब जल में HCl को मिलाते हैं तो H+ आयन ही देता है वो, और H+ आयन जो होता है ना वो एक प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन विहीन होता है ये, और जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसके पास कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका मतलब ये जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकता, जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि इसके पास ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की कमी होती है। तो क्या होता है, जल जो होता है ना, जल उसमें जो अणु होते हैं, जल के अणु H2O वो उसकी पीठ पे बैठ जाता है और H3O+ आयन बना लेता है, क्योंकि H2O के जो जल के अणु है ना उनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, जैसे ही उससे क्रिया करता है ये क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम
आयन, क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। अब बात करते हैं तनुकरण की। देखो तनुकरण में जैसे मैंने धीरे धीरे इसमें इस परखनली के जल में अम्ल मिलाया, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसमें धीरे धीरे अम्ल मिलाया, HCl अम्ल मिलाया, तो H प्लस आयन या क्षार मिलाऊंगा तो भी यही कंडीशन आएगी, OH माइनस, क्षार जो होता है ना, क्षार NaOH, इसका अपघटन होता है Na प्लस प्लस OH माइनस में। इसका मतलब अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल अम्ल तो H प्लस आयन देते हैं या H3O प्लस आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं ना वो होते हैं OH माइनस आयन देते हैं। जैसे ही मैंने परखनली में अम्ल और क्षार मिलाया ना, तो अम्ल व क्षार के आयनों, आयन कौन कौन से हैं, H3O प्लस और OH माइनस, आयनों की सांद्रता में प्रति आयतन, सांद्रता में प्रति आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परखनली में जैसे मैंने अम्ल और क्षार मिलाए ना, अम्ल और क्षार मिलाने पर जो उसकी अम्लता है या क्षारीयता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी कम हो गई, क्योंकि उसके जो आयन है ना, उन आयनों की सांद्रता में अगर मैं प्रति आयतन में निकालूं तो उसमें लगातार क्या होती जा रही है, कमी। उसी को क्या कहेंगे हम, तनुकरण। क्या कहेंगे? तनुकरण।